सो दोस्तों, अगर आप जुड़े रहना चाहते हो हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर की न्यूज़ हो या फिर स्मार्टफोन अपडेट्स की हो, तो दोस्तों आपको जानना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में मिल जाए, ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट यहां पर फिर से लेकर आ गया है सेल, जो कि है फेस्टिव धमाका डे सेल इसका नाम रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहे हैं उनके स्मार्टफोन पे, टीवी पे और वगैरह वगैरह, यहाँ पर हर एक चीज़ों में यहाँ पर सभी प्रोडक्ट में ऑफ़र मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ मोबाइल्स के बारे में कि आपको 5000 से लेकर 15000 रुपये तक के कौन से बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर सेल में मिल जाएंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिवाली है, और दिवाली के चलते एक बार फ्लिपकार्ट सेल ला चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पर फेस्टिव धमाका डे सेल यहाँ पर लेकर आया, जो 24 से 27 अक्टूबर तक चलेगी। तो यहाँ पर कौन से बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आते हैं, जाने के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, मोबाइल्स का ऑप्शन मोबाइल पे देखता हूँ कि कौन सा बेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो आप देख सकते हो फेस्टिव यहाँ पर धमाका डे सेल है, जिसमें कि एक्सिस बैंक अगर आप यूज़ करते हो डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए उसको बात को छोड़ते हैं, पहले फेस्टिव लॉन्चेस के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ASUS ZenFone Max Pro M1 यहाँ पर आपको काफ़ी बेस्ट ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर के साथ आता है, 4000 mAh बैटरी के साथ में 3GB की रैम आपको मिल जाती है, और ये न्यू फ़ोन है ASUS का ZenFone Max M1, तो ये आपको 7499 रुपीज़ में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अगर बात करते हैं दूसरे फ़ोन की, तो यहाँ पर ASUS का ZenFone Lite ML1 यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ पर 13 MP रियर कैम के साथ आता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि 5999 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर टॉप रेटेड फ़ोन द बेस्ट ऑन फ्लिपकार्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको Realme 2 मिलता है, लेकिन मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगा, Realme 2 अच्छा नहीं है। आप Realme C1 भी ले सकते हो, 6999 रुपीज़ का है यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी बेस्ट यहाँ पर निकल के आता है। Redmi 6 को भी आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर C1 मुझे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर लगा लुक्स के मामले में। लोवेस्ट प्राइस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको ASUS का Max Pro M1 मिल जाता है, जो कि 9999 रुपये का है, तो ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है इतने कम प्राइस में, 10000 की प्राइस में। स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और मैंने इसको खुद चलाया, अनबॉक्सिंग भी की हुई है, बेस्ट फ़ोन है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7e की, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। और मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर आप लोग से, तो हाँ Realme 2 Pro बेस्ट है, 13990 रुपये में 660 प्रोसेसर मिलता है, 16 MP की सेल्फी कैम मिलता है, लुक्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर ये बेस्ट लगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 मैं नहीं कहूँगा लेने को। और आपको यहाँ पर अगर और स्मार्टफोन देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ ASUS का Max Pro M1 यहाँ पर बेस्ट है, यहाँ पर आप ले सकते हो। Redmi Note 5 Pro भी अभी भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर है, यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के साथ में अच्छा कॉम्पिटिट कर रहा है अभी भी, तो कि 12999 रुपीज़ में मिल जाता है, 636 मिलता है, 12+5 MP का डुअल कैम मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसकी वजह मैं यहाँ पर Realme 2 Pro ही यहाँ पर आपको ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि और जब स्मार्टफोन है वो 5000 से मैंने 15000 तक बता दिए, लेकिन और सब यहाँ पर 20000 तक प्राइस के, 25000 तक प्राइस के हैं, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो कि मैंने बताए तो आपको ये स्मार्टफोन पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।